यदि आपको 10x10 का एक शेड बनवाना है तो 75 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से आपके 7,500 रुपए लगेंगे। वेरी सिंपल, आप खुद से कैलकुलेशन कर सकते हो। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीमेंट रूफिंग शीट का शेड कितने रुपए का बनता है, माल मटेरियल कितने रुपए का आता है, शीट कितने की आएगी, लोहा कितने रुपए का लगेगा और हम कारीगर लोग आपसे कितनी लेबर लेते हैं और आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है इस शेड के, सीमेंट रूफिंग शेड जो है इसके क्या फायदे हैं आपको और क्या नुकसान है, टोटल डिटेल से बात करने वाला हूं। दोस्तों मेरा नाम है मौली सिंह, आप देख रहे हैं एसएस फाइबर ग्लास एंड फैब्रिकेशन वर्क्स। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको इस शेड का साइज बता देता हूं। ये 30 फीट वाइड है और 20 फीट गहरा है। 20x30 मतलब कि 600 स्क्वायर फीट इस शेड का साइज हो गया है, जिसमें कि पीछे की साइड में एक हल्की सी कमी छोड़ी हुई है। मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा, यहाँ पे भी पाइप लगा देनी चाहिए थी, जैसे कि ये पाइप है, यहाँ पे पाइप नहीं है, इसके ऊपर ईंट बैठा रखी है सीमेंट लगा के, तो उसकी बजाय यहाँ पे भी पाइप लगा के ऐसे हुक यहाँ पे भी डाल देने चाहिए थे एंड पे, तो वो नहीं डाले, उसका आपको ध्यान रखना है। पीछे भी एंड पे भी एक पाइप डालनी है, हुक डालने, ईंट ऊपर से आप ईंट लगाओ, सीमेंट लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन नीचे जो है पाइप जरूर होनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पे नहीं दी हुई। दूसरी बात, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा यहाँ पे सरिये वेल्ड करके यहाँ पे नट मार रखे हैं, जो कि इस शेड को हवा में आंधी में उड़ने से बचाएंगे। ये मेरे को ये जो चीज कर रखी है ये बहुत बढ़िया लगी, जबकि यहाँ पे यदि पाइप होती पीछे तो यहाँ पे भी एक लग जाता, यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है और यहाँ पे एक कैंची और है, ये यहाँ पे भी सरिया लगा रखा है जो कि इस शेड को उड़ने से बचाएगा। अभी बात करते हैं 30x20 में यहाँ पे 10-10 फीट की जो शीटें हैं, यह 20 शीटें लगी है, 20, 10 आगे 10 पीछे, 3.5 फीट की एक शीट होती है। एक शीट का प्राइस है 700 रुपये, आज का रेट बता रहा हूँ, अप्रैल का महीना 21 तारीख 2023 की बात कर रहा हूँ, हमारे एलनाबाद की रेट की बात कर रहा हूँ, आपके शहर में रेट अलग हो सकते हैं, मेरी कोई गारंटी नहीं है, मैं अपना रेट बता रहा हूँ, हमारे यहाँ का रेट बता रहा हूँ। शीट 700 रुपये की एक, 700 × 20, 14,000 रुपये की टोटल ये वाली शीटें, ऊपर की शीटें हो गई। इसके अलावा यहाँ पे जो पाइप लगी हुई है, ये एक लेंथ 20 फीट की 2 इंची पाइप लगी हुई है, एक लेंथ 20 फीट की पाइप में 20 किलो वजन है, मतलब कि एक रनिंग फिट में 1 kg वेट है। तो कुल यहाँ पे जो पाइप लगी हुई है ये 240 रनिंग फिट है, 30, 30-60, 30-90 और 120, ये चार पाइप है, 120 हो गई। इसके अलावा ये जो पाइप है और उधर वाली एक पाइप है, ये टोटल 240 रनिंग फिट पाइप होगी, 240 किलो इसका वेट हो गया। इसके अलावा जो ये एक पाइप है, 30 किलो वजन इस पाइप का होता है, कुल वजन जो है 280 kg हो गया। 280 kg लोहा आज के समय में 65-66 रुपये kg रेट चल रहा है, जो कि 18,000 से 19,000 रुपये के बीच में अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आएगी लोहे की, 14 और 18 प्लस, अभी ये हुक्के लगी हुई है लगभग 2,000 रुपये की ये होगी हुक्के, 14,000 की शीट, 18,000 रुपये का लोहा, इसके अलावा 2,000 रुपये की हुक्के और पेंट, इसमें एक कमी और छोड़ रखी है, पेंट नहीं कर रखा, तो पेंट भी जरूर करवाएं। साथ ही साथ जिस कारीगर को आप बनाने का ठेका दे रहे हैं उसी को बीच में ही पेंट का भी ठेका साथ में ही दें, चाहे वो एक्स्ट्रा पैसे ले चाहे ना ले, ले तो दे दो एक्स्ट्रा पैसे, क्योंकि यदि आप बाद में इसको पेंट करवाएंगे तो उतना अच्छा पेंट की क्वालिटी भी नहीं आएगी और आपको पैसे भी ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे पेंट करवाने के लिए। एक चीज ये क्लियर, पेंट आपको साथ ही साथ करवाना है। दूसरी बात, 20,000 रुपये का लोहा, 14,000 रुपये की शीट और 12,000 रुपये कारीगर की लेबर, हमारी लेबर है, कोई 10 रुपये स्क्वेयर फिट में भी करते हैं, हम 20 रुपये मिनिमम चार्ज है हमारा, 25 में भी करते हैं, मिनिमम 20 रुपये स्क्वेयर फिट, तो 12,000 रुपये हमारी इसकी लेबर होगी। 14,000 रुपये की शीट, 20,000 रुपये का लोहा प्लस पेंट, उसके अलावा हमारी लेबर 12,000 रुपये, टोटल हुए 46,000 रुपये, 46,000 रुपीज टोटल कॉस्ट हो गई इस शेड की। अब इसको यदि स्क्वेयर फिट में करें, यदि आपको खुद से कैलकुलेशन करना है कि मेरा तो भाई 10x10 का साइज है तो मेरी कितनी कॉस्ट आएगी, तो वो भी क्लियर कर देता हूँ।
यदि आपके पास ऐसी तीन साइड की दीवार कर रखी है आपने, तब आप उस पे शेड लगाना चाहते हैं तो आपकी यही कॉस्ट रहेगी। यदि आपके चारों तरफ पोल आएंगे, यदि ये दीवार नहीं होती तो यहाँ पे भी पोल आता, पीछे दीवार नहीं होती पीछे भी पोल आता, तो कॉस्ट बढ़ती। अभी 46,000 रुपए को 600 स्क्वायर फीट में जब डिवाइड करेंगे तो आपकी पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट आएगी 75 रुपीज। वजह क्या है? क्योंकि दीवारें कर रखी है, ऑलरेडी दीवारें हैं और थोड़ा बहुत इसमें कॉस्ट कटिंग भी कर रखा है, जैसे कि यहाँ पे एक पाइप ना लगाना, ठीक है, पेंट वेंट नहीं करना, थोड़ा बहुत इसमें भी बचत होगी। हालांकि मैं आपको राय दूंगा आप पेंट करो, यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा पाइप लगाओ। तो आज के इस शेड की टोटल कॉस्ट है 75 रुपये स्क्वेयर फिट, 46,000 रुपये में 600 स्क्वेयर फिट का शेड बना। यदि आपको कहीं से सस्ता मिस्त्री मिल गया तो इसमें 5-7 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं, जैसे कि हमारी लेबर 12,000 रुपये है, हो सकता है आपको 6,000 रुपये लेबर वाला भी कारीगर मिल जाए, हो सकता है आपको 12,000 में भी ना करने वाला मिले, 15,000 ले, तो उसमें कॉस्ट कम ज़्यादा होती रहती है। शहर का रेट ज़्यादा होता है, गांव का रेट कम होता है, मेट्रो सिटी में और भी हाई रेट होते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों, यदि आपको 10x10 का एक शेड बनवाना है तो 75 रुपये स्क्वेयर फिट के हिसाब से आपके 7,500 रुपये लगेंगे। वेरी सिंपल, आप खुद से कैलकुलेशन कर सकते हो। यदि आपको 20x20 का शेड बनवाना है तो 75 रुपये स्क्वेयर फिट के हिसाब से आपके 30,000 रुपये लगेंगे। शायद आपको समझ में आ गया होगा फार्मूला, 75 रुपये स्क्वेयर फिट है आपका, 10x20 का है, 200 स्क्वेयर फिट हुआ, 200 × 75 मतलब 15,000 रुपये आपकी टोटल कॉस्ट आई। वेरी सिंपल, इसमें कोई बहुत बड़ा ज्ञान तो है नहीं, मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में आपको समझाया है, आज फिर से समझा रहा हूँ। तो अब बात करेंगे इस शीट में क्या नुकसान और क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा ये है, ये जो शीट है ये मेटल शीट से काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती है। 10 फिट की मेटल की यदि आप शीट लेते हैं तो वो आपकी 1500 से 1600 रुपये की आती है। सीमेंट रूफिंग शीट 700 रुपये की, आधे में ये शीट आ जाती है सीमेंट रूफिंग शीट आपकी, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, इसका जो नीचे का जो टेम्परेचर है जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, यह मेटल शीट से काफ़ी 4-5 डिग्री कम रहता है, ये ठंडी रहती है मेटल शीट के मुकाबले। अब बात करते हैं नुकसान की। नुकसान एक ही है कि आंधी तूफान में यह शीट टूटती रहती है। ऊपर आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं शीट टूटी हुई है एक जगह से। उसके बाद इधर आ जाएं, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से टूटी हुई है, और यहाँ पे फ्रंट की साइड आप टोटल देख सकते हैं, सब जगह से टूटी फूटी हुई है। इसके ऊपर यदि ये ईंट ऐसे फेंक देंगे तो भी टूट जाएगी, ये इस शीट का बहुत बड़ा लॉस है। यही एक इस शीट का सबसे बड़ा लॉस है कि आंधी तूफान में ये उड़ जाती है, टूटती फूटती रहती है, हुक आपकी लगी रह जाएगी, शीट कहीं और उड़ के चली जाएगी। ये एक बहुत बड़ा लॉस है जो कि फ़ायदे के मुकाबले काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो फैसला है वो आपको करना है, आपको सीमेंट रूफिंग लगानी है या तो प्रोफाइल शीट लगवानी है। और यदि आप जानना चाहते हैं कि सीमेंट और प्रोफाइल शीट के टेम्परेचर में क्या फ़र्क है, लोहे की शीट और सीमेंट रूफिंग शीट के, दोनों के टेम्परेचर में क्या फ़र्क है, तो उसका वीडियो मैंने ऊपर आई बटन में दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, उससे आपको टेम्परेचर का भी अनुमान हो जाएगा। तो इस शेड की टोटल कॉस्ट 45,000 रुपये, जिसको 45,000 डिवाइड 600, 75 रुपये स्क्वेयर फीट की टोटल कॉस्ट है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। यदि इसके अलावा आपके कोई और सवाल बच गए हैं तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ऐसे ही आपके लिए फैब्रिकेशन रिलेटेड, शेड रिलेटेड, रूफ शेड रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।